राजधानी दिल्ली में एचपी इंडिया और पेडगेट इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिस पर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव की प्रतिक्रिया सामने आई है। दरअसल केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आज एचपी इंडिया और पेडगेट इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन हुआ है। इसके तहत भारत में एचपी के लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, ऑल इन वन ये सब बनेंगे। इसके साथ ही तमिलनाडु में ये फैक्ट्री सेटअप होगी। उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी ही आगामी फरवरी के महीने में इसमें उत्पादन शुरू हो जाएगी। शुरुआत में 1000 से ज़्यादा युवाओं को इसमें रोजगार मिलेगा। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेंगे वैसे वैसे इसमें रोजगार भी और बढ़ेंगे। पिछले 10 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग भारत में बहुत तेजी से बढ़ी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मेक इन इंडिया विजन के तहत जो मात्र कुछ छोटा सा अमाउंट था इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का, वो आज 10 लाख करोड़ की इंडस्ट्री बन गई है और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में करीब 10 लाख से अधिक का रोजगार पैदा हुआ है। पीएलआई स्कीम की सक्सेस में आज एक नया अध्याय जुड़ा है। एचपी इंक और पेजेट इलेक्ट्रॉनिक्स का एमओयू हुआ है। इसके तहत भारत में एचपी के लैपटॉप्स, पर्सनल कंप्यूटर्स, ऑल इन वंस ये सब बनेंगे। तमिलनाडु में ये फैक्ट्री सेटअप होगी बहुत जल्दी और आगामी फरवरी के महीने से इसमें प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। शुरुआत में 1000 से अधिक नौजवानों को इसमें रोजगार मिलेगा और जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे इसमें रोजगार और बढ़ेगा।